इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन IIA उद्यान और खास संस्करण विभाग MSME और निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा कृषि आधारित MSME उद्यमी महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ MSME मंत्री राकेश सचान के द्वारा शुभारंभ किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री ने इसका निरीक्षण कर और उद्यमियों को आभार प्रकट किया है। आपको बता दें कि इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जुपिटर हॉल में नेताओं, राजनेताओं, प्रशासनिक अधिकारियों और उद्यमियों समेत कई कंपनियां मौजूद रहीं। इस दौरान प्राइम टीवी के संवाददाता से एक्सक्लूसिव बातचीत की। और मुझे प्रसन्नता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस फील्ड में बहुत सफल कहानी भी अपनी लिखी है। मैं उन सभी उद्यमियों का जिन्होंने खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में MSME के क्षेत्र में कुछ नया करके न केवल अन्नदाता किसानों की आमदनी को दोगुना करने के प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प को आगे बढ़ाने में अपनी मदद की है, बल्कि उसके माध्यम से ढेर सारा रोजगार भी उत्पन्न करने में अपना योगदान दिया है। उन सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कृषि आधारित MSME सम्मेलन हो रहा है। हमारे साथ MSME मंत्री राकेश सचान जी हैं। सर, इस बैठक के बाद क्या प्रभाव डालेगा प्रदेश में? देखिए, ये IIA और हमारे खाद्य प्रसंस्करण और MSME के संयुक्त प्रयास से बहुत अच्छा सफल सम्मेलन का आयोजन हुआ है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगभग 1.5-2 घंटे वो रहे। और हमारे इस सम्मेलन का प्रभाव पूरे प्रदेश और देश में एक मैसेज जाएगा। खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े तमाम MSME सेक्टर में जो नए उद्योग लगाने वाले हैं, उनको भी एक बल मिलेगा। और यहाँ जितने भी हमारे एग्जीबिशन में जितने भी स्टॉल लगाए हैं, नए नए प्रोडक्ट लाए हैं, उनमें कहाँ किसकी क्या दिक्कत है, उस दिक्कतों को भी लोगों ने आपस में जाना, आपस में मिले। तो ऐसे आयोजनों से, ऐसे कार्यक्रमों से उद्यमियों को भी लाभ होता है और आगे हमारे प्रदेश में नई MSME का नीति का लाभ लेते हुए नए खाद्य प्रसंस्करण के उद्योग यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाएंगे, ऐसी संभावनाएं हैं। सर, मुख्यमंत्री जी भी कह रहे थे कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी प्रधानमंत्री का जो सपना है, लक्ष्य है, उसमें उत्तर प्रदेश की 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की सहभागिता होगी 5 में से। और MSME की बात की जाए तो क्या सहयोग करेगा वो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी में? देखिए, इस इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन करने में सबसे बड़ा योगदान MSME का ही होगा, क्योंकि कृषि के बाद सबसे ज़्यादा इकोनॉमी MSME सेक्टर से ही है। और MSME का जिस तरीके से ODOP को प्रोत्साहन देने से और सरकार की नई नीतियां लागू होने से जो 80,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट था, वो 1,60,000 करोड़ का हुआ है। और निश्चित तौर पे जो पॉलिसी सरकार ने बनाई है, उन पॉलिसी के चलते आगे इन्वेस्टर यहाँ आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में बड़े इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेंगे। यहाँ जब उद्यम लगेंगे, रोजगार का सृजन होगा। हमारे तमाम बेरोजगारों को जो घूम रहे इधर उधर जाने के लिए, उनको उत्तर प्रदेश में ही रोजगार मिलेगा। जी बिल्कुल, शुक्रिया हमसे बात करें तो। हमारे साथ MSME मंत्री राकेश सचान थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि जो प्रधानमंत्री का 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना है, उसमें उत्तर प्रदेश का जो 1 ट्रिलियन देने की बात कही गई है, उसमें MSME सबसे बड़ा योगदान देते हुए नजर आएगा। साथ ही रोजगार के भी क्षेत्र में और जो 1 District 1 Product है, उससे भी MSME के अंदर में आता है। MSME आने वाले समय में और बेहतर काम करेगा। कैमरामैन विजय के साथ विभांशु, प्राइम टीवी लखनऊ।